नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। अभी तक के रुझानों के अनुसार बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी की लहर देखने को मिली? आइए जानते हैं जनता की राय। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही क्यों? मोदी के अलावा कौन? कोई ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन। जिस आदमी ने काम किया है, जिस आदमी ने 5 साल अपनी काबिलियत दिखाई है, तो उसके अलावा कोई और बनता ही नहीं है देश के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि वो वापस आए हैं और पूर्ण बहुमत से आए हैं। बीजेपी की 262 से ऊपर सीटें दिख रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस 5 साल का जो उनका कार्य है वो और आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। जो देश के कंडीशन है या जिस हिसाब से UPA उनके साथ कड़ी टक्कर है, उसके मुताबिक जो बीजेपी लीड कर रहे हैं उसके मुताबिक देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो सारे गठबंधन मिल के एक को हराने के पीछे इतना कुछ कर रहा है, फिर भी बहुत ही पीछे है। जो कैलकुलेट अभी हो रहा है वोट के लिए, तो उसके मुताबिक ये बहुत ही पीछे चल रहा है। और बीजेपी इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि उन्होंने देश के प्रति बहुत काम किया। नो वन एल्स, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या लगता है, ये मोदी लहर है या पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम किए हैं? लहर तो है ही, प्लस जिनका काम है वो तो उससे भी ज़्यादा बोल रहा है और सभी लोग देख भी रहे हैं, सभी लोग जानते भी हैं। एंड वॉट अ शेम फॉर कांग्रेस एंड डेफिनेटली वॉट अ फेम फॉर बीजेपी। मोदी जी जीतने वाले हैं और अच्छी है खुशखबरी, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी के लिए बहुत अच्छी खबर है और मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। सर पर क्यों चाहते हैं? क्यों? और गरीब आदमियों के लिए बहुत हेल्प किया है, हर जनता को पैसे मिले हैं, लेटरिन बाथरूम बनाया है और घर घर रोशनी पहुँचाई है। किसी गाँव में कोई रोशनी नहीं थी, आज उस गाँव में काफ़ी योजना बनाई हुई हैं और उजाला भी है। गांव देहात में सभी खुशहाल हैं और कोई अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी आदमी के लिए, कोई गरीब हो भाई अमीर के लिए कोई जात प्रथा नहीं है और सबको एक समान देखना चाहते हैं, एक समान व्यवहार किया है। और जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपके, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सब लोगों की इच्छाएँ पूरी। भारत में जो काम उन्होंने किया है, वो जो 40-45 साल के काम अभी जो 5 साल में, वो बहुत फर्क पड़ा है मोदी जी का। तो काम ये इमीडिएट है, काम अभी भी 5 साल में और करेंगे, तो उनको टाइम देना चाहिए। 5 साल के 2024 तक भी टाइम देना चाहिए उनको। काफ़ी अपने भी बहुत अच्छे आदमी, अपने अच्छे व्यक्तित्व के हैं और जितना वो मेहनत करते हैं हम नहीं समझते हैं दूसरा कोई विकल्प है। क्योंकि मोदी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, जैसा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में किया है, तो हम हमेशा इसे यही प्रेफर करेंगे कि आगे भी मोदी ही सरकार आए। तो ये थी जनता की राय और आने वाली सरकार को लेकर लोगों में खुशी की लहर। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।